हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीगुरु एंड मैथ्स फंडा में इस बार मैं लेके आया हूं आपके लिए हाउ टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5। मैथ्स फंडा की ये सीरीज मैंने आपको पहले भी बताया था, हम 5 से 10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस राइट, जिसमें मैं हर बार एक नया कंसेप्ट आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो देखते रहिए, मैथ्स फंडा में बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस बार 5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई सुपर फास्ट तरीके से कैसे करते हैं, बहुत फास्ट करने वाले हैं हम। ओके, तो चलो देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 37, तो 37 इंटू 5 करना था। पहले मैं मल्टीप्लाई वाले ले लेता हूं, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 37 इंटू 5 करना था, आपने सिंपली सोचना है 37 का आधा कितना होता है, 37 का आधा कितना होता है। तो कितना होता है, 18.5, बट आपने यहां पे पॉइंट नहीं लगाना। ओके, तो 37 बाय 2 क्या होता है, 18.5। अगर डेसिमल में आता है, 0.5 आता है, तो आपने पॉइंट नहीं लगाना, यानी कि 37 इंटू 5 185 ही होगा। ओके, सपोज करो मैं पहले एक इवन नंबर आपको लेके दिखाता हूं कि 42 इंटू 5 करते तो 42 का आधा कितना होता, 21। तो जब पॉइंट ना आए, वहां तो ऊपर 37 बाय 2 किया था तो आपका 0.5 आया था, अब पॉइंट नहीं आया, 42 बाय आधा किया, 21 आ गया। तो जब आधा पूरा 42 इवन नंबर का आधा करेंगे तो पीछे 0.5 नहीं आएगा, तो उस केस में आप जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर। ओके, 42 का आधा किया, उसके आगे जीरो लगा दिया, और जब आधा करते वक्त 0.5 आ गया था तो पॉइंट नहीं लगाया, तो ये आपका इंटू 5 का तरीका होगा। देखो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, समझेंगे इस बात को। जैसे अगर मैं करता 68 इंटू 5, तो 68 का आधा होता 34, पॉइंट नहीं आया ना इसमें, तो 34 के आगे जीरो लगा देंगे राइट। बट अगर मैं 73 को इंटू 5 करता तो 73 का आधा करते तो 36.5 आता, हम उसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे, ये 36.5 में पॉइंट हटा देंगे, तो 365 राइट। बात समझ में आ रही है, आधा करेंगे अगर 0.5 आएगा तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, अगर पूरा आधा आ जाएगा तो जीरो लगा देंगे राइट। मतलब जहां पे पॉइंट नहीं आएगा, इवन नंबर का आधा करेंगे तो जीरो लगा देंगे, ऑड नंबर का आधा करेंगे तो पॉइंट नहीं लगाएंगे। ओके, चलो एक बार फिर से जल्दी से इसको देख लेते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा नंबर भी बढ़ा देता हूं कि सपोज करो 134 होता और इंटू 5 करता, अब इसका आधा मुझे दिखता है 67, तो उसके आगे जीरो लगा देंगे, 134 का आधा किया तो 67 आया और उसके साथ में हमने जीरो लगा दिया। बट अगर 163 करता इंटू 5 तो आपके पास 163 डिवाइडेड बाय 2 आधा करते तो 81.5 आता, अब हमने 815 कर दिया, पॉइंट नहीं लगाया, क्योंकि 163 का आधा करते तो आपके पास आता 81.5, हमने पॉइंट नहीं लगाया तो वो हमारा इंटू 5 हो गया राइट। ओके, आसान है ना, देखो बड़ा नंबर लिख के देखो और मजा आएगा। लेट से 862 इंटू 5 होता तो 862 का आपका आधा दिख रहा है 431, उसके आगे जीरो लगा देते, बन जाती ना बात। तो जितने मर्जी बड़े नंबर हो, आधा करना तो आपको आता है तो आधा करेंगे, और उसको बेसिकली हम आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आधा आ गया तो इंटू 10 किया, जीरो लग गई, अगर आधे में 0.5 आया तो इंटू 10 किया तो पॉइंट हट गया। ओके, चलो तो मेथड तो हमें क्लियर है कि आधा करना है और अगर 0.5 आए तो पॉइंट नहीं लगाना, अगर आधा कंप्लीट आ जाए तो उसमें जीरो लगा देना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, मैंने कहा था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, तो अभी तो मल्टीप्लाई बाय 5 देखा इसे, तो डिवाइड बाय 5। सपोज ऐसे ही 34 को मैं डिवाइड बाय 5 करता, अब की बार क्या करना है कि इसको डबल कर देना है, आधा नहीं करना, 34 का डबल 68, और एक डेसिमल लगा देना है अपनी मर्जी से राइट, एक डेसिमल पॉइंट।
तो 34 का डबल किया और एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ओके ये और भी आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर 127 को 5 से डिवाइड करो, डबल करो 127 को 254 और एक डेसिमल लगा दो, कितना आसान है ये तो, राइट। छोटा नंबर लेके देखते हैं दोबारा, 19 डिवाइडेड बाय 5 करते, 19 का डबल करते 38, एक डेसिमल लगा देते। ओके चलो और बड़ा नंबर कोई सोचते हैं, 431 डिवाइडेड बाय 5, डबल किया 862, तो डेसिमल लगा दिया। आसान है ना, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल करना है, डेसिमल लगाना है। ओके डिवाइड बाय 5 कर रहे हो ना, जब कोई नंबर पूरा डिविजिबल बाय 5 होगा, जैसे सपोज करो 215 होता, राइट, डिवाइड बाय 5, तो आप जब इसको डबल करेंगे तो अपने आप 430 आएगा, 430 में पॉइंट लगाएंगे तो अपने आप पूरा 43 हो जाएगा ना, तो 215 5 का मल्टीपल था, तो 5 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा 43 आ गया। ओके अच्छा है ना मेथड, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब दोबारा फटाफट से दोनों रिवाइज करवा देता हूं कि अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने किया लेट से 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 47 का आधा लिया, उसमें पॉइंट आ रहा था 23.5, हमने पॉइंट नहीं लगाया। ओके अगर 58 इंटू 5 करता तो 58 का आधा होता 29, उसके आगे जीरो लगा देता, 58 का आधा होता 29, उसके आगे जीरो लगा देता, 47 का आधा था 23.5, उसका पॉइंट हटा देते, पॉइंट हटा देते। ओके और अगर मैं डिवाइड बाय 5 करता हूं, तो अगर सेम नंबर्स को करूं, 47 को डिवाइड बाय 5 करूं, तो 47 का डबल करेंगे और उसमें एक डेसिमल लगा देंगे, 58 बाय 5 करूंगा तो 58 का डबल करेंगे और उसमें एक डेसिमल लगा देंगे, राइट। तो ये नंबर कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे आपने लिखा 1037 डिवाइडेड बाय 5, तो आप इसका डबल करेंगे 2074 और उसमें एक डेसिमल लगा देंगे, कितना आसान है डिवाइड करना तो। ओके तो ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, विदाउट प्रैक्टिस आप कर नहीं पाएंगे, अगर आप ऐसा सोचने लगते हैं। चलो समझ में आया एक बात है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इसको इतना ही सुपर फास्ट कर पाएंगे, जैसे मैं डबल या हाफ सोच पाता हूं, उस तरह से ही आपने प्रैक्टिस करनी है नंबर्स का डबल या हाफ, बहुत जल्दी सोचना है और आंसर करना है, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को बताते रहो इस चैनल के बारे में, एप्टी गुरु के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके और हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। ओके तो जुड़े रहेंगे हमसे एप्टी गुरु के साथ मैथ्स फंडा में और बहुत सारे वीडियोस में। ओके थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।